नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2020 की फ्रेंचाइज टीम दिल्ली कैपिटल्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी क्रिस वोक्स जो है पूरे IPL 2020 से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपना नाम जो है पहले ही वापस ले लिया था। इसी कड़ी में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को एक नए खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में लाना था, तो दोस्तों उन्होंने क्रिस वोक्स की जगह पर एक नए खिलाड़ी का नाम अनाउंस कर दिया है। अब ये खिलाड़ी 2020 सीजन के लिए दिल्ली की टीम में खेलते हुए नजर आएगा। तो किस खिलाड़ी का नाम अनाउंस किया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। बस दोस्तों, अगर आप भी IPL 2020 से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। अय्यर इस टीम के कप्तान थे और उन्होंने शानदार कप्तानी दिखाई थी। खिलाड़ी भी शानदार रहे थे, रबाडा से लेकर मॉरिस तक, ईशांत शर्मा से लेकर अमित मिश्रा ने सभी ने अच्छी गेंदबाजी की थी। इस सीजन जो है दिल्ली की टीम में रहाणे और अश्विन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे और दिल्ली टीम के सभी फैंस को इस बार भी टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। वहीं दोस्तों, इस सीजन ऑप्शन से क्रिस वोक्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, मगर क्रिस वोक्स ने बाद में यह डिसाइड किया कि वो IPL 2020 में हेल्थ के चलते नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने यहां से नाम वापस लेने का फैसला लिया था। अब इसी कड़ी में दोस्तों दिल्ली को एक प्लेयर की तलाश थी वोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर, जहां टीम मैनेजमेंट ने वोक्स की जगह पर एंड्रिक नोकिया को जगह दे दी है। जी दोस्तों, एंड्रिक नोकिया साउथ अफ्रीकन टीम के तेज गेंदबाज हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं वो भी। हाल ही में वो साउथ अफ्रीकन टीम का हिस्सा भी, टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, ODI मैचेस भी खेलते हैं और T20 टीम का भी हिस्सा है। इसी वजह से दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एंड्रिक नोकिया को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले सीजन जो है KKR की टीम ने एंड्रिक नोकिया को अपनी टीम में शामिल किया था, मगर दोस्तों इंजरी के चलते वो एक भी मैच नहीं खेल पाए थे, पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। अब ऐसे में इस सीजन जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर क्रिस वोक्स की जगह जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एंड्रिक नोकिया को जगह मिली है। अब देखना यह होगा कि उन्हें मैचेस खेलने के मौके मिलते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, एंड्रिक नोकिया ने भी दिल्ली टीम के स्क्वाड में शामिल होने के बाद टीम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा भी है कि मैं दिल्ली टीम को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस टीम के पिछले सीजन में काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही थी, इसी वजह से मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, अब दिल्ली की टीम में एंड्रिक नोकिया, ईशांत शर्मा, करिश्मा रबाडा, मोहित शर्मा जैसे कुछ अच्छे तेज गेंदबाज हो जाएंगे, जिससे दिल्ली की टीम को गेंदबाजों की चिंता नहीं होगी। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो आर अश्विन इस टीम में आ गए हैं। इसके अलावा अमित मिश्रा भी हैं, अक्षर पटेल भी है। स्पिनर्स इनके टीम के सही हैं। अब तेज गेंदबाजों के साथ भी दिल्ली चली जाएगी तो एक परफेक्ट टीम बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अपडेट दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।